दोस्तों यहाँ पर एक दो तीन चार मतलब चार पाइप होते हैं और इस भाई साहब को तीनों साइड में पानी को भेजना होता है और इस भाई साहब के पास एक ऐसा टुकड़ा होता है जिसको लगाने पर फिर भी एक पाइप बच जाता है, लेकिन इसको तो तीनों साइड में पानी को भेजना होता है। इसीलिए ये भाई उन टुकड़ों को फिर से अलग कर लेता है और काफी ज्यादा टाइम सोचने के बाद इस भाई साहब को एक आइडिया आ जाता है और फिर ये दो पाइप के टुकड़े कुछ इस शेप के ले लेता है। दोस्तों आखिर इस शेप के टुकड़ों से तीनों तरफ पानी कैसे सप्लाई हो सकता है, जानने से पहले अगर आपको अपने फोन से ज्यादा फैमिली प्यारी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साबित करो। तो गाइस आप देख सकते हो कि वो उन टुकड़ों को कुछ इस तरीके से आपस में जोड़कर पानी को तीनों तरफ डिवाइड कर दे।